राइडिंग टिप्स कैसे चलाना है, बाकी सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। सवार हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए गुलो। सभी देख सकते हैं ये TVS Apache 160 RTR का लुक जो ब्लैक कलर का है एंड इसका मॉडल भी मतलब ये लुक भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। बाकी बाइक का अगर बात किया जाए तो ये बाइक 160 सीसी का है जो देख सकते हैं ब्लैक एंड ग्रे कलर में है एंड ये TVS कंपनी का है मतलब TVS Apache। और फिर आप इसका साइलेंसर भी देख सकते हैं और इसका जो एलो व्हील है जिसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। और बाकी अगर हम लोग बात किया जाए तो इस पार्ट का मतलब दो मिरर तो होते हैं हर बाइक में भी है और ये सेल्फ जो हर बाइक में होता ही है। और इसका मीटर आप देख सकते हैं, मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, आपका आप इसका मीटर देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और गाइस मतलब कि बाकी बाइक में तेल भराने के लिए मतलब तेल का टंकी जो ये वाला इस मिडिल पार्ट में होता है, बट ये Apache का मैंने जो भी बाइक चलाई अभी तो फर्स्ट देख रहे कि इसका जो तेल भराने वाला टंकी है वो इस साइड में है। एंड बाकी अगर मैं गियर की बात करूँ तो गाइस इसमें 5 गियर है जो कि मतलब पहला गियर लगाना होता है डाउन में एंड बाकी जो 4 है वो आप है। और गाइस इधर आप देख सकते हैं ये हाइपर एज जो इसका अंदर का पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कीचड़ वीचड़ से अगर हम पानी वानी में घुसा के जाते हैं तो उसको अंदर का ये प्रोटेक्ट करता है। और बाकी तो आप लोग का मतलब बाइक के स्टेटस देख के आप लोगों को पता चल गया एंड इसका रिव्यू मैं आप लोगों को चलाने के बाद बताऊंगी कि इसमें कितना कम्फर्टेबली है एंड चलाने के लिए। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को साड़ी पहन के ये Apache RTR 160 बाइक राइड करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं वीडियो मतलब राइड करने से पहले मेरा जितना भी व्यूअर्स है जो भी मुझे साड़ी में पसंद करते हैं, साड़ी में मेरा बाइक राइडिंग पसंद करते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को आप लोग लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर देना। एंड हाँ गाइस, वैसे तो मैंने बहुत अलग अलग बाइक राइड किया है मतलब साड़ी पहन के, बट आज फर्स्ट टाइम है कि मैं ये Apache राइड करने वाली हूँ वो भी ये साड़ी पहन के। तो गाइस मतलब साड़ी में बाइक राइडिंग करना इतना मुश्किल तो नहीं है, बट कुछ चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब खास करके मैं बोलना चाहूँगी जो भी लड़कियाँ महिलाएं जो बाइक चलाती है मतलब कुछ भी ड्रेस पहन के या फिर मतलब खास करके जब साड़ी पहन के अगर आप लोग राइड करते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि आपका जो पल्लू होता है साड़ी का उसको खास करके मतलब लंबा रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये पल्लू, तो इसको हम ऐसे बांधिए ताकि ये प्रॉब्लम ना दे, मतलब मेरा कहीं इधर चक्का वक्का में ना फंसे। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो ओढ़नी होता है उसको आप कमर में टाइट करके मतलब बांध दें ताकि वो किसी भी चक्का में ना फंसे। अगर आप कर चक्का में फंस गया तो आप गिर सकते हैं। वैसे बाइक चलाने वक्त ये तो ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग को तो हेलमेट चाहिए, चाहे बाइक चलाओ या स्कूटी चलाओ हेलमेट तो हम लोग को चाहिए ही होता है। बट अगर आप मतलब साड़ी पहन के चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मतलब खास करके उतरने के टाइम में जब हम लोग बैठ तो लेते हैं, मतलब बैठने में भी ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से आप लोग बैठ रहे, कहीं साड़ी कहीं और जगह फंस नहीं जा रहे। खास करके मतलब उतरने के टाइम में जब हम लोग उतरते हैं ना तो ये देख सकते हैं आप ये वाला ब्रेक, तो हम लोग का अगर साड़ी लंबा होता है तो इस जगह ऐसे जैसे कि ये फंस गया इस तरह से मतलब फंस जाता है तो हम लोग का गिरने का चांसेस मतलब हम गिर सकते हैं, श्योरली है कि हम लोग गिर सकते हैं, इसलिए ये ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ बाइक उतारने के टाइम में कि आप लोग अच्छा जगह उतार रहे कि नहीं वो भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और हाँ गाइस, बाइक चलाने से पहले मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि आप लोग बाइक चला रहे हैं तो और एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि जब आप लोग बाइक स्टार्ट करते हैं मतलब बाइक में बैठ लेना स्टार्ट करना वो तो कर लेंगे, लेकिन आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा मतलब बार बार देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने बाइक का स्टैंड उठाया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप बाइक का स्टैंड बिना उठाए ही बाइक चलाते हैं तो अगर कहीं ऊँचा जगह मिला जैसे कि स्पीड ब्रेकर उस जगह में हम लोग गिर सकते हैं अगर बाइक का स्टैंड जो उधर लग गया तो। बट अभी का जो मॉडल का बाइक है मतलब बहुत सारा अभी नया मॉडल का बाइक आ चुका है जिसमें बिना स्टैंड को उठाए मतलब बाइक स्टार्ट होगा नहीं, मतलब कोई कोई बाइक होता है जिसमें बिना स्टैंड उतारे मतलब उठाए बाइक स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि मेरा एक स्कूटी भी है जो अभी मिला है मुझे,
तो उसमें भी बिना स्टैंड उठाए वो स्टार्ट नहीं होता है। उस टाइप का भी बहुत सारा बाइक निकल चुका है जिसमें बिना स्टैंड उठाए स्टार्ट नहीं होता है, मतलब आपका बाइक जाएगा ही नहीं। बट पहले का जो जो बाइक होता है, मतलब कि अगर आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपने स्टैंड उठाया है कि नहीं चलाने से पहले। तो यही सब है टिप्स जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा बाइक चलाने से पहले। एंड साड़ी पहन के जो जो चलाते हैं, मतलब महिलाएं लड़कियां ही चलाते हैं ना साड़ी पहन के, तो उन लोग से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग खास करके, मतलब बहुत सारा चीज़ जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वो सब आप लोगों को ध्यान देके चलाना है। हाँ वैसे गाइस, मतलब कि हर बाइक हम लोग के लिए कंफर्टेबल नहीं होता चलाने के लिए, तो साड़ी पहन के अभी मैं इसमें बैठ के देखूँगी कि मेरा लिए कितना ये कंफर्टेबल होगा, क्योंकि मतलब हाइट भी मैटर करता है। तो मैं अभी इसमें बैठ के आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके तो गाइस, मैंने अच्छे से बैठ लिया, मतलब मेरा पैर भी ठीक ही पहुंच रहा है, मतलब एक साइड दोनों साइड आधा आधा पहुंच रहा है, मतलब कि मैं इसमें चला पाऊंगी अच्छे से। वैसे 5 फीट की जो भी लड़कियां हैं वो अच्छा से चला पाएगी बाइक, मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर 5 फीट से कोई, मतलब 5 फीट से ज़्यादा लंबा है तो वो लोग तो आसानी से मतलब बाइक राइड कर पाएंगे। तो गाइस, मैं अभी इसका कोल्ड स्टार्ट साउंड आप लोगों को सुना देती हूँ। गाइज, आपको मेरा साड़ी पहन के बाइक राइडिंग करना अच्छा लग रहा होगा। वैसे मैंने आज को आप लोगों को मतलब टिप्स ही बताया कि साड़ी पहन के कैसे बाइक राइडिंग करना है, बहुत सारे टिप्स दिया एंड मैं अभी राइड भी कर रही हूँ। वैसे ये बाइक मेरा लिए मतलब राइड करना कंफर्टेबल ही है, वैसे तो मैं खुद 5 फीट की हूँ बट अच्छा खासा राइड कर पा रही हूँ, मतलब कि कंफर्टेबली राइड कर पा रही हूँ। एंड गाइज, मैंने इसका गियर का बात तो आप लोगों को बता ही दिया था कि पहला गियर जो है वो डाउन है एंड बाकी जो है सब अप अप है। और फिर इसका माइलेज का बात किया जाए तो जानकारी के हिसाब से 60 किलोमीटर तक का माइलेज है। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है बट मैंने इसका बारे में मतलब जानकारी लिया है तो उतना ही मुझे पता चला, वैसे कभी तो ट्राई नहीं किया इतना दूर जाके राइडिंग करने के लिए। तो अगर आप लोगों को मतलब जो कुछ भी जितना कुछ जानना होता है कैसे बाइक राइडिंग करना है, तो अगर कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं मैं उस हिसाब से भी आप लोगों के लिए वीडियो भी बना कर दूँगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करना, मतलब कमेंट ज़रूर करना। एंड मेरा अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ आप लोग शेयर कर देना, अपना रिलेटिव हो या फ्रेंड जितना चाहे उन लोगों को शेयर कर देना। इतना पाउडर मिल रहा है फ्री में और मेकअप नहीं करना है हमको। आज मैंने आप लोगों को बताया ये TVS RTR 160R बाइक का मतलब सारी टिप्स, राइडिंग टिप्स कैसे चलाना है, बाकी सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना। फिर मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।